ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन। हम भिन्नों के बारे में बात कर रहे थे, भिन्न निकालने के लिए। जैसे मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। याद रखिएगा, उचित भिन्न ही आपको दी जाएगी हमेशा, अनुचित भिन्न नहीं दी जाएगी। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है आपके लिए। डिफरेंस ऑफ ओके मार्कर थोड़ा चेंज कर लीजिए। जैसे एक भिन्न दे रखी है आपको, 9/3 रहा,17/26, 28/29 और 33/52। इसमें से आपको निकालना था कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। सबसे छोटी, सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, क्लियर है। देखिए, अब आपको क्या करना है। मैंने जैसा आपको बताया था, कर अंश ऐसे ही रखने हैं, आपको करना क्या होता है कि अंश को ऐसे के ऐसा ही रखा जाता है, बटे में आपको क्या रखना होता है, अंश और हर का अंतर रखना होता है। 9 और 13 का अंतर 4, 17 और 26 का अंतर 9, 28 29 का अंतर 1, 33 और 52 का अंतर 19। अंश ऐसे के ऐसा रखिए, बटे में आपको क्या रखना है, अंश और हर का अंतर रखना है। ठीक है, ये ऐसा करने से क्या होता है कि हम आसानी से भाग दे सकते हैं। पहले क्या होता था, 13 का टेबल पढ़ो, 26 का टेबल पढ़ो, 29 का टेबल आना चाहिए, 52 का आना चाहिए, काफी लंबा प्रोसेस हो जाता था। तो इसलिए हमने क्या किया, इसका अंतर ले लिया बटे में, अब भाग आसानी से दे सकते हैं। 9 एकम 9, 8 72 और 28 से 28 बार और 19 एकम 19 और 19 से 33। 133 बार ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अब मैंने देखा यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये है। तो सबसे छोटी संख्या कौन, सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न बराबर 33/52। आप सॉल्व करके देखिएगा, कैसे भी आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये तो रहा भिन्नों को हल करने का। ये उचित भिन्नों की बात कर रहे हैं हम। उचित भिन्न आपको बताया था मैंने सभी को कि उचित भिन्न क्या होती है, जिसके अंश और हर में एक संबंध हो, कि अंश छोटा और हर बड़ा हो, तो वो क्या कहलाती है, उचित भिन्न कहलाती है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अनुचित भिन्न पूछा नहीं जाता, पूछा जाता है तो जो सबसे छोटी आएगी वो सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे बड़ी आएगी वो सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन। किसी भी अब बात करते हैं संख्या पद्धति में कुछ एक लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस की, जहां पे हमें संख्याओं से संबंधित भाषा दी जाती है। भाषा के माध्यम से हमें संख्याओं को समझना है, उनके सवाल किस तरीके से करने हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है कि किसी संख्या का 1/5, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से, उसी संख्या के, थोड़ा दिखता सा इसको ऊपर कर देते हैं,
हो सकता है क्या, थोड़ा हो सकता है? ठीक है कीजिए। ओके दिख रहा है अभी, थोड़ा सा नीचे। उसी संख्या के अभी दिख रहा है। ओके किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, से 10 अधिक है। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आगे अंकगणित पढ़ने के लिए। क्यों रोल प्ले करेंगे इंपॉर्टेंट? कि यहाँ से आपको भाषा समझना, भाषा को लिखना, गणित के रूप में आपको भाषा को जानकारी लेना, वो सब आपको कहाँ से मिलेगा? यहीं से मिलेगा। ठीक है तो ये क्वेश्चंस ध्यान से देखिएगा। 1/7 से 10 अधिक है वह संख्या है, वह संख्या है। तो देखिए हमें ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने होते हैं, ठीक है? ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं कि आगे जाके आपको कोई परेशानी ना आए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सही से यहाँ से लैंग्वेज पढ़ना, लैंग्वेज को एक्सप्रेस करना सीखेंगे। देखिए जैसे बोलता जाए वैसे ही आपको लिखते हुए जाना है। तो जैसे उसने बोला क्या, किसी संख्या का 1/5, तो किसी संख्या का मैंने मान लिया, माना संख्या एक्स, संख्या क्या मान ली मैंने, संख्या बराबर एक्स। अब एक्स का संख्या का मतलब होता है गुणा, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है तो एक्स का 1/5 उसी संख्या के 1/7 हो गया, इससे 10 अधिक, अधिक है तो जोड़ना पड़ेगा और कम है तो घटाना पड़ेगा, अधिक है तो 10 अधिक है, मैं क्या कर दूं बराबर रख दूं। अब देखिए ये हो गया x 5, ये x वाली टर्म इधर ले आता हूं मैं, x 7 बराबर 10। जिन भाइयों को भिन्न हल करना नहीं आता है उनके लिए मैं साधारण सा तरीका बता देता हूं, इधर का गुणा इधर कर दो, इधर का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 7 को x से कीजिए 7x, माइनस 5 को x से कीजिए 5x, बटे में दोनों को गुणा करके रख दीजिए यहां पे, 7 5 35 बराबर 10। 7 में से 5 गए तो 2x बराबर 35 को इधर पहुंचा दीजिए, 10 × 35 x बराबर 175। वो संख्या कितनी आ गई, 175 आ गई। ठीक है इसी में से अगला क्वेश्चन लेते हैं। अभी हम भाषा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम में क्वेश्चनों के माध्यम से हम साधारण रूप से भाषा को समझना सीख रहे हैं। तो देखिए गणित में मेन अंक गणित में और कुछ नहीं है, मैं आपको सभी को बता दूं कि अंक गणित में कुछ भी ज्यादा खास नहीं है, बस क्या खास है आपको भाषा समझ आनी चाहिए। वो जो भाषा कह रहा है उस भाषा को आपको गणित के रूप में लिखना आना चाहिए। अगर वो आपका क्लियर है कंसेप्ट तो आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 85 मीटर लंबाई की छड़ को 2 भागों में विभाजित किया गया, 85 मीटर लंबाई की छड़ को 2 भागों में, साफ आ रही दिख रहा है, 2 भागों में, ओके 2 भागों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। का पहला भाग, चलो बेटा मैं अभी आ रहा हूँ, चलो हाँ बोलो तो देख, ओके गाय देख लो, चलो आ रहा हूँ मैं, ठीक है क्लास।
यदि छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का दो बटे तीन है। पहला भाग दूसरे का दो बटे तीन है तो बड़ा भाग क्या है? तो बड़ा भाग क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन करने के लिए कुछ नहीं, सिंपल पढ़ते जाइए। एक 85 मीटर लंबी छड़ को दो भागों में तोड़ा गया, ठीक है। मैं मान लेता हूं पार्ट वन और पार्ट टू दोनों को मिला के कितना होता है? 85 मीटर होता है। इसको मैंने दो भागों में तोड़ा, पार्ट वन पार्ट टू, क्लियर। उसने कहा है छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का दो बटे तीन है। छड़ का पहला भाग पार्ट वन दूसरे भाग का कितना है मतलब बराबर दूसरे भाग का पी टू का मतलब गुणा, मैंने आपको बताया था, लिख रहा था, ओके, दो बटे तीन है, दो बटे तीन है, क्लियर। तो मैं क्या कर सकता हूं, पी वन का मान या तो यहां रख दूं या फिर ऐसा करूं तीन को इधर गुणा कर दूं, थ्री पी वन, और इसको भी इधर ले आऊं, माइनस टू पी टू बराबर जीरो, ऐसे भी कर सकता हूं, ठीक है। तो थ्री पी वन माइनस टू पी टू इज इक्वल टू जीरो, यही है। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण एक और इसको मैं मान लेता हूं समीकरण दो। समीकरण एक में मैं दो का गुणा कर देता हूं, क्या कर देता हूँ, समीकरण दो में जोड़ देता हूँ। समीकरण एक में दो का गुणा किया तो दो पी हो जाएगा, दो पी से दो पी कट जाएगा, यहाँ पे दो पी वन है, यहाँ पे तीन पी वन है, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, फाइव पी वन हो जाएगा। 85 को दो से गुणा कीजिए, 85 × 2 170, पी वन बराबर कितना आ जाएगा, पाँच का भाग दे दीजिए 34। P1 34 है तो P2 कितना आ जाएगा, 85 माइनस 34 इक्वल टू 51। तो बड़ा भाग कितना आ गया, 51 मीटर आ गया, ठीक है। कुछ नहीं है आपको, बस सीधे सीधे क्या करना है, जैसे सवाल बोलता जाए वैसे आपको लिखते हुए जाना है, ओके। अगला क्वेश्चन है जैसे आपका, यदि किसी संख्या का तीन गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या है। संख्या का तीन गुना इस संख्या के 3/5 से इसके 3/5 से 60 अधिक है, इसके 3/5 से 60 अधिक है तो संख्या क्या है? देखिए बहुत ही सिंपल, संख्या मैंने मान ली x, संख्या कितनी मान ली, x मान ली, इसका तीन गुना, x का तीन गुना, इसके 3/5 से कितना अधिक है, 60 अधिक है, अधिक है तो प्लस कर दीजिए, दोनों क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, 3x, इसको इधर ले आइए, माइनस 3/5x इज इक्वल टू 60, ये इधर था इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस था तो कितना हो जाएगा, सॉल्व कीजिए, 12x/5 बराबर 60, x बराबर 25।
चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी आपकी समस्याएं हैं उन सभी को आप डालिए, पोस्ट कीजिए, ठीक है। नंबर सिस्टम आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगला टॉपिक आपका स्टार्ट होगा, सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक, ठीक है। तो आप सभी पढ़िए और जितना हो सकता है उतना घर पे। धन्यवाद।